हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लवर टेक्स में स्वागत है। एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र में भी जो है अंडर NHM के तहत जो है वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें हम लैब टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसका डिटेल्स जानकारी के लिए इस PDF के माध्यम से हम आपको देंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। और जो है आज मॉर्निंग में GSSB लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट 2 वीडियो लेके आ गया, इसी चैनल पे लैब टेक्नीशियन चैनल पे अपलोड हो चुका है। और इसका जो है पार्ट 1 जो है PMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे अपलोड हो चुका है, दोनों जाकर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो दोनों में क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आइए अब इसका डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें कि इसमें क्या है, कब तक इसका लास्ट डेट है, कितना टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी कहाँ से निकला हुआ है, तो देख रहे हैं महाराष्ट्र है, कंत्रांटी पद भर्ती जाहिरात राष्ट्रीय आयोग अभियान। ठीक है, जिला आरोग्य सोसाइटी सतारा महाराष्ट्र। कहाँ से निकला है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये निकला है किसके तहत है, ये तो NHM के नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र के तरफ से ये निकला है। नीचे जो है इसका एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पे किसका कितना पोस्ट है कितना नहीं है। वैसे बता दूं कि मेरे को महाराष्ट्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, जो इस भाषा का जानकार होंगे इस PDF को डाउनलोड करके इसके बाद आप लोग इसको फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं किसका पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर का टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें सैलरी उनका 28,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, आयुष का PG मेडिकल ऑफिसर का है जो यूनानी का है, उसका भी 30,000 सैलरी मिलने वाला है और टोटल 1 पोस्ट है। ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट का टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें कि ठीक है 20,000 रुपये मिलने वाला है। STS RNTCP TV सुपरवाइजर का जो है इसका जो टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है, और इसका जो है सैलरी 20,000 मिलने वाला है। इसका जो स्टाफ नर्स का टोटल 50 पोस्ट है, जिसके 90 पोस्ट है, टोटल इसका सैलरी 20,000 पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या काउंसलर का है, इसके बाद लैब टेक्नीशियन का है। लैब टेक्नीशियन का कितना है, टोटल 2 पोस्ट है और एक और है लैब टेक्नीशियन का जो ब्लड बैंक के लिए, ये सिर्फ लैब टेक्नीशियन के लिए जो किसी भी डिपार्टमेंट में आपको दे सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10+2 DMLT कोर्स एंड हायर एजुकेशन विल बी प्रिफर्ड। यदि आपका BMLT है तो और आपको प्रिफर्ड किया जाएगा, यदि MMLT है मास्टर डिग्री MMLT में तो और भी प्रिफर्ड रहेगा आपके लिए। और इसका सैलरी जो मिलने वाला है आपको 17,000 मिलने वाला है। ठीक है, इसका जो है एज लिमिट जो दिया है यहाँ पे, ठीक है 43 है। ठीक है, एज लिमिट जो है इसका हाईएस्ट जो है 43 आपको है, और जनरल के लिए जो है आपका 38 है। ठीक है, इसके बाद टेक्नीशियन में जो है यहाँ पे भी टेक्नीशियन का दिया, तो यहाँ पर अलग अलग टेक्नीशियन है। देखें, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, SDH का रद्द 1 है ब्लड बैंक के लिए, SDH 17 है। ठीक है, इसका जो है अलग अलग, जैसे ब्लड बैंक का जो है SDH कर्द का जो है, इसके लिए भी जो है लैब टेक्नीशियन वाले भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 DMLT कोर्स एंड विल बी हायर डिग्री जो है इसको प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, इसका भी सैलरी जो है 17,000 मिलने वाले हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट का टोटल 7 पोस्ट हैं और फैसिलिटी मैनेजर के टोटल 1 पोस्ट हैं। TBHP का कितना, टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे है सबका एज लिमिट दिया हुआ है कितना से कितना और किसको जो है कितना छूट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद है आपका कोल्ड चेन टेक्नीशियन का है, अकाउंटेंट का है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स थी। ठीक है, ये सारे पोस्टें हैं। ठीक है, और अभी जो है यहाँ पे जो कुछ दिया है शर्तें, नियम और शर्तें हैं, इसको आप लोग जो इस भाषा का जानकार इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिए। और फॉर्म फिलअप जो है आपका ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निविट प्रक्रिया तिल पात्र या पात्र उम्मीदवार यदि भर्ती प्रक्रिया ची माहिता जिला परिषद वेबसाइट पर, मन बोला कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका डिटेल्स, ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, इसके बाद जो है किसको कितना छूट मिलने वाला है, एज लिमिट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है आप फॉर्म फिलअप के बारे में जो दिया गया यहाँ पे, देखिए फॉर्म फिलअप के बारे में दिया गया है कि उम्मीदवार जो है नमूनिया तिल अर्ज गुण पत्रिका व आवश्यक कागज पत्रांक छायांकित सत्य
प्रतिशत आपले अर्ज ऑनलाइन पद्धति से आपको करना पड़ेगा, जिसका क्यूआर कोड जो है क्यूआर कोड स्कैन करके जो है 28/12/2021 से लेकर के 10/1/2022 तक आप इसको शाम 6 बजे तक जो है इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका क्यूआर कोड कहाँ है, ये इसका क्यूआर कोड है, ठीक है। इसको आप स्कैन करके आपको फॉर्म फिलअप जो भी डिटेल्स को भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यही सारा चीज़ दिया हुआ है और कब से कब तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ये भी डेट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो भी है आप इसको पढ़ लीजिएगा जो इस भाषा का जानकार है। तो यदि इस वीडियो की जानकारी के लिए आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए यूट्यूब चैनल टेक्निशियन, और इसका PDF का लिंक जो है हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।